आज मैं आप सभी के साथ मैं अपनी बहुत ही फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं समोसा बना रही हूँ। तो आज सुबह से ही ना मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा था, सुबह से बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी, और ऐसे बारिश में तो चाय, पकौड़े, समोसा, कचौरी खाने का मन होता है। तो बिल्कुल होटल वाला, जो ठेले वाला जो स्वाद आता है ना, बिल्कुल वैसा ही मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब ऐसे टाइम पे हम बाहर तो जा नहीं सकते, और उसी के साथ हम बनाएंगे वो जो लाल वाली जो चटनी होती ना, जो होटल में मिलती है, बिल्कुल वही टेस्ट, वही स्वाद बनाकर हम तैयार करेंगे, जिसे आप भी घर में बनाएंगे ना तो आपको बाहर का भी खाने का मन नहीं करेगा। और इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट बनता है ना, जिसे आप कभी भी आसानी से बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम यहाँ पे चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, और गुड़ को ना इस तरह से चाकू से टुकड़ा कर लेंगे या तो कूट लेंगे। तो मेरा ये जो गुड़ है छोटे छोटे साइज़ का था, तो मैंने इस तरह से चाकू से इसे कट करके मतलब बारीक कर दिया है, जिससे कि हमें इसे मेल्ट करना है, पिघलाना है। तो पिघलाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे एकदम गर्म पानी, यहाँ पे 1 कप के करीब, और इसमें हम डाल के इसको हम रख देंगे साइड में। ये धीरे धीरे ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तब तक हम समोसे का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है, और इस मैदे में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक, और इसी के साथ डाल देंगे हम मंगरेल आधा छोटा चम्मच, और अजवाइन डाल देंगे हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच के करीब, और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब घी, और घी डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो मोयन वगैरह के लिए ना आप चाहो तो तेल भी दे सकते हैं, बट उससे क्या होगा ना, काफ़ी जो क्रिस्प आता है ना बिल्कुल होटल वाला, वो स्वाद नहीं मिल पाएगा। वैसे होटल वाले तो जो वनस्पति घी होती है, डालडा वगैरह, उसका यूज़ करते हैं, पर आप घर में बना रहे तो घी का मोयन लगा के देखिए, आपको वही स्वाद, वही क्रिस्पना आपको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसका हम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे, क्योंकि जो कचौरी होती है, समोसा होता है ना, उसका आटा हमेशा सख्त लगाया जाता है। जब हम रोटी, पूरी, पराठा बनाते हैं, उसका थोड़ा सॉफ्ट लगाया जाता है, पर इसका हम एक अच्छा टाइट सा डो लगाकर तैयार करेंगे, और इसके बाद हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और एक प्यारी सी कमेंट भी पोस्ट कर दीजिएगा, और ये रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आटा को लगा लिया है। अब हम इसे ढक के रखेंगे रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट तक। तब तक हम समोसे का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई गरम होते के साथ ही 1 बड़ा चम्मच डालेंगे तेल। तेल जब गरम हो जाए तो यहाँ पे डालेंगे मूंगफली 2 बड़े चम्मच के करीब, और इसे हमें भुनना है। तो मूंगफली को हम थोड़ा सा 2 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे। तो ये भूनते हुए हो गया है 2 मिनट। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 काजू को, इस तरह से मैंने कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में, क्योंकि जो होटल वगैरह में समोसे मिलते हैं ना, उसमें मूंगफली तो होती है बट काजू होता नहीं है। लेकिन जब घर में बना रहे तो कंजूसी हम क्यों करें, थोड़ा और टेस्ट इसका बढ़ा लेते हैं। तो इसे इस तरह से भून के मैंने तैयार कर लिया है, और ये सारे मूंगफली और ये काजू को हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसी तेल में, जो तेल बच गया है इसी में हम डाल देंगे, अगर तेल कम हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिए, उसी तेल में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब मस्टर्ड सीड, 1 छोटा चम्मच जीरा, इसी के साथ आधा छोटा चम्मच मेथी, और इसी के साथ डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 पिंच हींग, इसी के साथ किसा हुआ अदरक और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 सूखी हुई लाल मिर्च को इस तरह से मैं कट करके डाल रही हूँ। अगर तीखा आप ज़्यादा खाते हो तो आप थोड़ा सा मिर्च पाउडर और ऐड कर लीजिए, और सूखी हुई लाल मिर्च को भी और आप डाल दीजिए। इसके बाद हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी,
इसी के साथ डाल देंगे एक बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा थोड़ा सा कम होता है और इससे कलर अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे जीरा पाउडर। इसी के साथ मैं मटर डाल दे रही हूँ एक चौथाई कप के करीब। तो यहाँ पे मटर मैंने फ्रोज़न लिया था क्योंकि अभी तो मटर आ नहीं रहा है मार्केट में, और इन सब को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मसाले वगैरह कोट अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चार उबले हुए आलू को अच्छे से छील के मैश कर लिया था और इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे और डाल देंगे नमक। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच काला नमक, इसी के साथ ऐड कर देंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला, और इसके बाद हम इन सब को अच्छे से मैश कर देंगे। तो ये सारे मसाले को इस तरह से स्पैचुला के साथ चलाते हुए और साथ में क्रश करते हुए सब अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे आलू के साथ। तो इस तरह से चलाते रहेंगे और इस तरह से क्रश करते रहेंगे। इसी के साथ जो मैंने भुनकर रखी थी मूंगफली और काजू को भी इसमें डाल देंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी के साथ हम कटा हुआ धनिया पत्ती भी डाल देंगे, इससे जो फ्लेवर होता है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। और इसे हम कम से कम इस मसाले को भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि जो होटल में जो ये मसाला तैयार किया जाता है ना, वो लोग इस मसाले को बहुत भूनते हैं तभी वो स्वाद आता है। तो इस तरह से चलाते हुए मैंने कम से कम 10 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया है। देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कितना बढ़िया आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भूनेंगे ना तो आपको भी वही वाला स्वाद आता है। तो इस तरह से भूनते हुए मुझे ये तैयार हो गया। अब हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने ये पिघला हुआ जो गुड़ है वो डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। इसी के साथ डाल दूँगी मैं यहाँ पे नॉर्मल जो नमक हम खाते हैं, तो आधा छोटा चम्मच नॉर्मल नमक डाल दिया है। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे और काश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच भर के, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हम मंगरेल, और इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो गुड़ आप जब मेल्ट करने के लिए डालेंगे ना तो उसे आप छान कर लीजिएगा, क्योंकि गुड़ वगैरह में ना थोड़ा कचरा होता है। तो मैंने यहाँ बगैर छाने इसलिए डाला क्योंकि ये जो गुड़ है ना ये काफ़ी साफ़ सुथरा है और बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस गुड़ को अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, तो इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं है। और जो नहीं मेल्ट हुआ वो अभी इस पार्ट पे उबालते हुए अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस चटनी को हमें थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके उसको हम इस चटनी में डाल के इसे 2 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे। तो हमें वही थिकनेस वाली लाल वाली चटनी, चटपटी मसालेदार चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसे हमें 2 मिनट तक बॉईल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये जैसी ठंडी होगी ना तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हमें गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इस चटनी को आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक एयर टाइट कंटेनर में रख के खा सकते, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसे हम बना के इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। जब कभी भी आप कचौरी, समोसा, कोई भी चीज़ इस टाइप से पकौड़े वगैरह बनाए उसमें इस चटनी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, चटनी भी तैयार हो गया, मसाला भी तैयार हो गया। तो चलिए अब हम समोसा बना लेते हैं। तो हमारा आटा भी यहाँ पे अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो थोड़ा और हम समोसा बनाने से पहले इसे हम मसल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लचीला हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं इसके लिए। बस अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया बढ़िया अच्छे काम करने की इच्छा होती है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे मैंने एक लोई निकाल ली है,
तो यहाँ पे मैं मिनी समोसे बना रही हूँ। तो जो साइज़ होगा पेड़े का छोटे छोटे ही लेंगे, और इस तरह से लंबे मैंने देखिए बेलकर तैयार कर लिया है, और इसे बीच से हम कट कर लेंगे। अब देखिए समोसा बनाते कैसे हैं, तो मैंने इस तरह से कट करके हाफ पोर्शन में लगा लेंगे पानी, ठीक है। अब हम इसे जिस तरह पानी लगा हुआ है ना उसको हम रखेंगे ऊपर, और जिसमें पानी नहीं है उसको रखेंगे नीचे, और उसको हम स्टिक कर देंगे। और बिल्कुल जैसे मेहंदी वगैरह की कोन बनते हैं ना, या बर्थडे का कैप वगैरह, बिल्कुल उसी टाइप से हमें करके इसे उंगलियों से इसे हम प्रेस करके पूरा अच्छे से चिपका लेंगे। अब हम ये जो समोसे की जो फिलिंग बना के रखी आलू वाली वो हम डाल देंगे जितना इसमें आ सके, और उसके बाद उंगली से इसे हम प्रेस कर देंगे, और जो ऊपर का जो पार्ट जो बचा हुआ है आटे का उसमें भी चारों तरफ पानी लगा के अच्छे से इसमें इसको सील पैक कर देंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे साइज़ के मिनी समोसा बनकर तैयार है। अगर आपको बड़े साइज के समोसे बनाने हैं तो लोई जो हो बड़ी साइज की ले लीजिए, और बड़े बड़े रोटी टाइप के लंबे बेल लीजिए। ये देखिए आपके कंफ्यूजन कुछ ना हो इसलिए मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से लंबा बेल लिया, अब हाफ पोर्शन में लगा लेंगे थोड़ा पानी, और जो इसमें पानी लगाया है उसको करेंगे ऊपर, जिसमें नहीं है पानी उसको रखेंगे नीचे, और इस तरह से दबा के हम इस तरह से प्रेस करके एक इसका जो शेप है कोन के जैसा शेप बना देंगे। अब हम इसमें आलू का फिलिंग भर देंगे, और जितना आ सके उतना ही डालेंगे, और उंगलियों की हेल्प से इसे हम प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग आटा पोर्शन जो बचा हुआ है उन सब में चारों तरफ लगा देंगे पानी, और इसे अच्छे से हम सील पैक कर देंगे। तो ये सारे समोसे मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया, ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये पूरा सील पैक हो गया। तो आप भी इस तरह से घर में बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब चलिए इसे तल लेते हैं। तो तलने का भी इसका टेक्निक है कि जो ऑयल है बहुत गुनगुना गरम होना चाहिए, एकदम हल्का, देख सकते हैं एकदम हल्के बबल्स आ रहे हैं, और बस इसे 2 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद इसे हम अलट पलट के इसे हम सेक लेंगे। तो अब आज के बाद बाहर का अनहाइजीनिक समोसा क्यों खाना, जब हम घर में ही इतना टेस्टी और इतने साफ सफाई से ही वही स्वाद वाला घर में जब बना सकते हैं तो बाहर क्यों खाना। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्प बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये अब बारिश का मज़ा तो दुगना हो जाना है, क्योंकि समोसा हो गया रेडी। समोसा वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट है। अगर कोई पूछे कि तुम्हें स्नैक्स में खाना क्या है, तो मैं समोसा के लिए एवरी टाइम रेडी होती हूँ। बस इसे हम सर्व कर लेंगे अपनी ये लाल वाली चटनी के साथ, जिससे जो टेस्ट है समोसे का और दुगना बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा इसको तीखापन टेस्ट देने के लिए हरी मिर्च को भी मैंने फ्राई करके ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया है, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय।